स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के अकाउंट में लेजर कैसे तैयार करते हैं सीखेंगे। कल हम लोग सीखे थे लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, लेजर कैसे बनता है, लेजर में कितने पंक्तियां होती हैं, उनके नाम क्या हैं, ये सब कल बात बताई गई थी। आज फिर देख लेते हैं एक बार हिंदी में, इंग्लिश में। डेट लिखा गया, डेट मीन्स बताया गया दिनांक, पार्टिकुलर मीन्स विवरण बताया गया था, JF जर्नल फोलियो, अमाउंट ये डेबिट साइड का अमाउंट लिखेंगे, फिर डेट है, पार्टिकुलर है JF और अमाउंट, लेकिन ये क्रेडिट साइड का है। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है नगद माल खरीदा, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। सर परचेज डेबिट क्यों हो रहा है, तो जब मैं माल खाता बताया था तो बताया था कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, इसलिए परचेज किया गया है डेबिट। और क्या हुआ भैया, आपने नगद माल खरीदा है इसलिए हो जाएगा टू कैश। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उधार खरीदा जाता तो वहाँ पर आदमी का नाम लिखा जाता, जैसे होता राम से माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होता। बट इस क्वेश्चन में मेरा है नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैसे जानेंगे सर नगद है या उधार, तो सुनिए क्वेश्चन में आपको नगद वर्ड दिया रहेगा तो समझ लेना सर नगद है, नहीं तो आप समझना कि व्यक्ति का नाम ले गया जैसे राम से माल खरीदा, इसमें नगद वर्ड नहीं आया तो ये मेरा उधार है, तो ये मेरा क्या हो गया उधार है। बट इस क्वेश्चन में मैंने नगद माल खरीदा है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, ये एंट्री आपको पीछे बताया जा चुकी, अच्छे से समझाया गया है। आइए इसके बाद हम कैसे करेंगे इसका पोस्टिंग, लेजर में कैसे लिखते हैं। तो लेजर में देखिए भाई परचेज अकाउंट, पहले तो लिहाज रखिए लेजर में पहला खाता बनेगा परचेज अकाउंट और दूसरा खाता अलग से बनेगा कैश अकाउंट। थोड़ा यहां बना देते हैं हम, कैश अकाउंट पहला अकाउंट बना परचेज अकाउंट और दूसरा क्या बना कैश अकाउंट। इसमें भी वही डेबिट क्रेडिट और लिखा जाएगा, डेट पार्टिकुलर सब कुछ लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इसकी पोस्टिंग करना है। आप देखिए परचेज क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट, अर्थात परचेज के हमें डेबिट साइड में लिखना है। ये डेबिट बता रहा है कि हमें लिखना कहाँ है, परचेज अकाउंट में। चलिए 2011 जनवरी 1 क्या लिखेंगे, परचेज नहीं बल्कि क्या लिखेंगे उसके जो नीचे लिखा गया टू कैश, दिख गया आपको, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री में भी यही दिख रहा है और आपको लेजर में दिख रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना है सर, है 10,000। चलिए बात क्लियर हो गया। अब दूसरा खाता क्या है, दूसरा खाता मेरा कैश का है, कैश में कहाँ क्या लिया गया टू कैश, अर्थात कैश हुआ है क्रेडिट, इसका मतलब ये हुआ कि हमें लिखना है क्रेडिट में। एक बात तो यहाँ पर मिल गई। दूसरा तरीका है कि अगर डेबिट में लिख दिया गया है तो क्रेडिट में लिखा भी जाएगा, क्योंकि डेबिट में लिख दिया गया है तो इसके बाद ही क्रेडिट आ जाता है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। फिलहाल यहाँ से भी क्लियर है, तो आइए लिखिए 2011 जनवरी 1, डेट सेम रहेगा। अब कैश में कैश नहीं बल्कि उसके ऊपर क्या है, उसके विपरीत में क्या है, परचेज लिखेंगे, चेज अकाउंट। कितने का कैश के सामने कितना है सर, 10,000 है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर JF में कुछ नहीं लिखा जाता, जी कभी नहीं लिखा जाता, मैं पहले बोल चुका हूँ, इसमें लिखा जाता है जर्नल पृष्ठ संख्या। तो मेरे पास तो बहुत सारा पन्ने है नहीं, एक ही पेज में सब हो रहा है, इसलिए आपको अलग से इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमने क्या कर दिया, ये पोस्टिंग कर दिया लेजर में, मैंने क्या किया पोस्टिंग किया मीन्स खतौनी किया। अब हम करेंगे इसका बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मतलब होता है संतुलित करना। एक में ही मैं सब चीज़ सिखा दे रहा हूँ,
संतुलन जोड़ेंगे जी सर, इधर का तो जोड़ 10,000 है, इधर बिल्कुल कुछ नहीं है, तो उसी के ठीक सामने जोड़ सामने दो 10,000 जनवरी। अब आइए इधर कुछ लिखना पड़ेगा, जनवरी 2011 लिख देंगे। अब बात आता है लास्ट डेट क्या डालें, महीने का अंतिम तिथि मीन्स जनवरी 31, कभी भी जनवरी 31 का नहीं होता, 28 का नहीं होता, चाहे जो वर्ष होगा हमेशा जनवरी 31 का ही होता है, ये आपको मालूम है कैलेंडर के बारे में। तो जनवरी 31 लिखें क्योंकि महीने का जनवरी का अंतिम दिन 31 ही होता है। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस, देखिए ये 2 में लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, बट ये क्रेडिट लिखेंगे तो बाई लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन कितने का सर 10,000, बराबर हो गया ना दोनों सर? जी सर बराबर हो गया। 2011 फरवरी 1 जो इधर लिखा गया है 2 बाई बैलेंस कैरी डाउन, अब हो जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका हो गया 10,000, ये खाता हो गया क्लोज। अब चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, इसको कैसे क्लोज करेंगे, इधर तो 10,000 दिख रहा है जी सर दिख रहा है, इधर भी आपका 10,000 दिख रहा है नहीं, इधर लाया गया। अब क्या करें, कुछ कर ले, यहां पर कम पड़ रहा है मेरा 10,000, 2 बैलेंस कैरी डाउन, कैरेट डाउन का कोई नियम नहीं किधर लिखेंगे, बस जिधर कम पड़ेगा 2 बैलेंस कैरेट डाउन, अगर 2 में कम पड़ेगा तो 2 में, बाई में कम पड़ेगा तो बाई में, जैसे कि इसमें बाई में कम पड़ा था इसमें 2 में कम पड़ेगा, तो कितना होगा 2011 और जनवरी महीने का अंतिम तिथि 31। अब इसी के अपोजिट में आकर के हमें ब्रॉट डाउन करना होता है, 2011 फरवरी 1 क्या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का 10,000, बस ये खाता भी हम कर देंगे क्लोज कर देंगे। तो इस तरह हमने देखा क्या, सिर्फ एक एंट्री में हमने देखे, कल बहुत सारी एंट्री होंगी, आज मैं देखा कि कैसे लेजर बनाया जाता है और कैसे क्लोज किया जाता है, दोनों चीज़ हम सीख चुके हैं, कल की वीडियो में और सारे क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।